नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। टोल देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। अगर आपके फास्टैग की केवाईसी अधूरी है तो 31 जनवरी के बाद से उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बारे में कहा कि वन व्हीकल वन फास्टैग की मुहिम के तहत फास्टैग के बेहतर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। 31 जनवरी तक जिन फास्टैग की केवाईसी पूरी नहीं होगी उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा या फिर उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं सिंगल फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए NHAI ने कहा कि एक ही गाड़ी पर एक से ज्यादा फास्टैग रखने वालों के अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। 31 जनवरी तक फास्टैग की KYC को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी डेडलाइन 31 जनवरी 2024 रखी गई है। फास्टैग निष्क्रिय होने का मतलब है जेब पर डबल बोझ। कैश में टोल टैक्स का भुगतान करने पर आपको दोगुना टैक्स भरना होगा। NHAI ने सभी फास्टैग धारकों को KYC पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। NHAI ने 31 जनवरी तक वन व्हीकल वन फास्टैग योजना को लागू करने की डेडलाइन तय कर दी है। ऐसा नहीं करने पर फास्टैग को डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो एक वाहन पर एक से ज्यादा फास्टैग इस्तेमाल करते हैं। NHAI ने इसे गलत करार देते हुए इसे फौरन बदलने को कहा है। हर वाहन के लिए एक फास्टैग लेना होगा। NHAI ने कहा कि RBI की गाइडलाइन के तहत बिना KYC वाले फास्टैग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बता दें कि फास्टैग की पहुंच 98% तक जा पहुंची है। मौजूदा समय में 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।